हैकिंग ग्रुप लीजन ने भारतीय संसद की वेबसाइट हैक करने की धमकी दी है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में हैकर ग्रुप लीजन के एक सदस्य ने दावा किया है कि उनकी नजर संसद की एक वेबसाइट संसद.nic.in पर है। ये वेबसाइट सांसदों और संसद के सरकारी कर्मचारियों को ईमेल सर्विसेज मुहैया कराती है। लीजन ने इसके अलावा भी कई और दावे किए हैं। लीजन ग्रुप का दावा है कि अपोलो अस्पताल के सर्वर तक उनकी पहुंच हो चुकी है। लीजन ने यह भी दावा किया है कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम भी साइबर हमलों के निशाने पर है। लीजन ग्रुप ने धमकी दी है कि वो सही समय आने पर बीजेपी की वेबसाइट भी हैक करेगा। साथ ही ग्रुप ने पूर्व IPL चेयरमैन ललित मोदी की निजी जानकारी भी जारी करने की धमकी दी है। आपका नेटवर्क है, उसकी साइबर सुरक्षा को आपको सशक्त करना पड़ेगा, क्योंकि हैकर जो है आपके सिस्टम के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को अटैक नहीं करता, जो सबसे कमजोर कड़ी होती है वहां पर आक्रमण होता है। तो हमें ये देखना होता है कि हमारे सिस्टम या नेटवर्क में कौन सा ऐसा बिंदु है जो सबसे कमजोर है। 30 नवंबर को लीजन ग्रुप ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक किया था। 1 दिसंबर को लीजन ने कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया। 9 दिसंबर को लीजन ग्रुप ने शराब कारोबारी विजय माल्या का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया था। लीजन जैसे हैकिंग ग्रुप किसी एक देश के लिए काम नहीं करते। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को 5 देशों से संचालित किया गया था। लीजन ग्रुप ने भारत के 40,000 से ज्यादा सर्वर हैक किए। नए साल की शुरुआत से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को तोहफा दिया है। साथ में वेतन आयोग को अखिलेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अखिलेश कैबिनेट की बैठक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देने का फैसला दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर फिर से सरकार बनी तो कर्मचारियों को और फायदा दिया जाएगा। लाखों लाख लोगों को, कर्मचारियों को फायदा होने जा रहा है। आने वाले महीनों में उन्हें फायदा पहुंचेगा। आने वाले समय में यही तमाम लोग जिनको सरकार ने लाभ पहुँचाया है, वो बहुमत की सरकार समाजवादियों की बनाएगी, जिससे निरंतर इसी तरह का लाभ जनता को, कर्मचारियों को पहुंचाते रहेंगे। 1 जनवरी 2017 से उत्तर प्रदेश में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। यूपी सरकार के फैसले से 16 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके अलावा 6 लाख पेंशन धारकों को भी 7वें वेतन आयोग से फायदा होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूपी के मुकाबले एक साल पहले यानी कि 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा मिला था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने खेद जताया है। कल घोष के खिलाफ फतवा भी जारी किया गया। कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम ने दिलीप घोष के खिलाफ फतवा जारी करते हुए कहा है कि उन्हें पत्थर मारकर राज्य से बाहर कर दिया जाना चाहिए। कितनी बड़ी तोहिन की, इतनी टॉप लीडर जो हिंदुस्तान में वर्ल्ड में उसका एक नाम है, इसलिए ऐसे शख्स के खिलाफ हमने फतवा दिया है कि इसको संसार किया जाए और इसको कंकड़ मारकर बंगाल से बाहर कर दिया जाए। पाकिस्तान समझ के रखे हैं क्या? फतवा तो यहाँ नहीं चलता है। फतवा चलाना तो जाए बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहाँ जाके चलाए, उसका हम लोग परवाह नहीं करते। बीजेपी का साथ इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो फतवा ममता बनर्जी को सुनाया जाकर मैंने खेद प्रकट किया। मैंने बोला कि किसी को अपमानित करने के लिए या तो किसी को दुख देने के लिए मैंने इस प्रकार शब्द प्रयोग नहीं किया था। ममता बनर्जी ने नोट बैन के खिलाफ दिल्ली में धरना दिया था। इस पर दिलीप घोष ने आपत्तिजनक बयान दिया था। दिलीप घोष ने कहा था कि ममता बनर्जी दिल्ली में नाटक कर रही थी। दिलीप घोष ने कहा कि अगर हम चाहते तो उनके बाल पकड़कर बाहर निकाल देते। दिलीप घोष ने आगे कहा था कि उनकी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, इसीलिए ममता बनर्जी को नहीं रोका गया था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता सुमन साहू ने कल ही दिलीप घोष के खिलाफ धमकी देने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी। हैदराबाद ब्लास्ट केस में NIA की स्पेशल कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल को दोषी करार दिया। यासीन भटकल को 19 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने यासीन भटकल के अलावा इंडियन मुजाहिदीन के 4 और आतंकियों को भी दोषी माना है। इंडियन मुजाहिदीन के किसी भी आतंकी को पहली बार किसी आतंकवादी घटना में दोषी करार दिया गया है। They have been convicted for various offences under the IPC, Unlawful Activities Act. 21 फरवरी 2013 को हैदराबाद के दिलसुख नगर में 2 बम विस्फोट हुए। बम धमाकों में 18 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में इंडियन मुजाहिदीन के रियाज भटकल, यासीन भटकल, अजदुल्लाह अख्तर, तहसीन अख्तर रहमान और एजाज शेख के खिलाफ मुकदमा चला।
रियाज भटकल इस मामले में अभी तक फरार है। रियाज इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक भी है। अगस्त 2013 में यासीन भटकल को बिहार बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था।